सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, में डालेंगे 50 ग्राम काजू और बादाम, इन दोनों को शेलो फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम हो गए हैं, इनको अब प्लेट पे निकाल लेते हैं। आधा चम्मच घी डालकर अब रेजिन्स को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए रेजिन्स भी अच्छे से फूल गई हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। आधा चम्मच घी डालकर मगज को भी ये देखिए फ्लटर होने लगे हैं, अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे घी, घी गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे आटा। आटे को डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए धीरे धीरे से कलर चेंज हो रहा है और खुशबू भी आ रही है भुने हुए आटे की। अच्छे से भुन गया है, गैस को बंद कर देंगे और अब डाल देंगे ये जो हमने फ्राई किए हुए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये 25 ग्राम ग्रेटेड नारियल, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे ये पिसी चीनी, अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। पंजीरी बनकर तैयार है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और बाद में इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख दें और इसे पूरी सर्दियाँ इंजॉय करें। थैंक यू।